तालाबंदी है देश में, लॉकडाउन, उसके 20 दिन पूरे हो चुके हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्रियों से बातचीत करी, ये लॉकडाउन और बढ़ने की संभावना है, जैसा राज्यों ने भी कईयों ने सिफारिश की है। पर इस संक्रमण से देश और दुनिया को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, यहाँ लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पहले कमजोर थी, अब जो संकट आया है उससे कई नई चुनौतियां सामने हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक स्ट्रेटजी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री सामने लाएं कि किस तरह क्रमवार लॉकडाउन को हटाया जाएगा, 3 चरणों के अंदर, जैसे कई राज्यों ने कहा और हम भी कहते हैं। प्रथम चरण के अंदर ये आवश्यक हो जाता है जमीनी हकीकत को देखते हुए कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना जरूरी है, खास तौर पे MSMEs को, क्योंकि भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों से अलग है, विकसित देशों से। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो दिन की अपनी आमदनी पैदा करते हैं, उनको सबसे गहरी चोट पहुंची है और कोई उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का घेरा नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। दूसरा, MSMEs को रिवाइव करना, खास तौर पे जो एक्सपोर्ट से लिंक्ड हैं, निर्यात से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है, खाद्यान्न के क्षेत्र में है, और एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज जिनको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ जो आम जरूरत की आवश्यक वस्तुएं बनाते हैं, छोटे उद्योग या उद्योग, उनको भी पुनः काम करने का सरकार को ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। उसका कारण एक है कि जो शहरों में, कस्बों में दुकानें खुली हैं, जो प्रोडक्शन लेवल चैलेंजेस हैं सप्लाई साइड के, उसको एड्रेस करने का समय आ गया है, वरना सामान जब बनेगा नहीं फैक्ट्रीज के अंदर तो वो कहाँ से आएगा दुकानों के अंदर। तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त सामने आने वाली है जो हम देख रहे हैं, और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि पहले लॉकडाउन में हमने ये देखा है कि लाखों ट्रक्स या ट्रेलर्स खड़े हैं जिसमें सामान लदा हुआ है, अब उसको तय करके इनको उनकी भी आवाजाही शुरू करनी चाहिए, मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, ताकि आम जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंच सके।